हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए फिर से हम सार संग्रह के इस वीडियो में देखते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी तथा खूनी आदि विश्लेषणों से पुकारा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था पल्लव वंश ने। किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ विले किस शासक से संबंधित था? रुद्र दामन से। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो महोबा में थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। किस पालवंशीय शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली? तो लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध को। असहयोग आंदोलन के दौरान में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया को। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर हुए थे? तो घनश्याम दास बिरला के। नील उत्पादक किसानों को उत्पीड़न का चित्रण किया है, यह एक क्या है? तो नील दर्पण एक नाटक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो सर शंकरन नायर ने। भारतीय राजव्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इंडियन एंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। विधानसभा के 17 वसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सत्र शुरू होने के छः सप्ताह तक। सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच करने के लिए की गई थी? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच करने के लिए। किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में जोड़ा गया। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में कितने प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को नवीं अनुसूची में रखा जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता है। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। स्वेज नहर किस दो समुद्र को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। उसके बाद अल्जीरिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। यह किस देश में है? तो लीबिया में है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस देश में है? तो वेनेजुएला में है, दक्षिण अफ्रीका में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम किस स्थान में है? तो मेघालय में है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री देशांतर पर, देशांतर का समय 82.5 डिग्री है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन होती है। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। खासी और गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? तो मेघालय स्थित है, मेघालय में स्थित है। न्यू मूरद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाओं अपना बचत खाता खोल सकती है ग्रामीण डाकघर में खोल सकती है, ग्रामीण डाकघर में खोल सकती है ग्रामीण समृद्धि योजना को लाभ उठाने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या होता है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई। भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल होती रही है? गेहूं और चावल में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो पीसी महाबलूनिस ने। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था निर्धनता उन्मूलन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखें। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? तो उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु का आकार एक माइक्रोन है। एक मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 10^6 होती है। कृत कार्य शून्य कब होता है? जब जल और विस्थापन परस्पर लंबित दिशा में होते हैं तब, तो कृत कार्य शून्य होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर 120/80 मिमी पारे होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। क्वासरकोर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण क्वासरकोर बीमारी होती है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। हरे पौधे में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट NaNO3 के रूप में होता है। एग्रीकल्चर से देखेंगे। यदि दो या दो से अधिक फसलें के बीच बीज का आपस में मिलकर बोना, इसमें कतार या अनुपात लगाओ, दूरी या हो सकती है, तो उसे मिक्स सस्यन बोलते हैं। इसके बाद दो या दो से अधिक फसलों को गैर बीज मिलाकर एक के साथ उगाना, जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए, क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं सह फसली पद्धति बोलते हैं। सरसों में क्लब रूट रोग का मुख्य कारक क्या है? तो क्लब रूट तो प्लाज्मोडियोफोरा बारिशिका वारियर है। इसको छोड़ेंगे दोस्तों, करंट क्वेश्चन। कम आउट एंड प्ले किसका नारा है? तो राष्ट्रमंडल खेल का नारा है। विविध क्वेश्चन देखें। किसने लिखा है भविष्य अंतर्राष्ट्रीय पर निर्भर करता है? उसका फिडले क्रास्टो ने लिखा है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत 58 BC में शुरू हुआ था। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र है तो नौरू है। मोबाइल निर्माता प्रसिद्ध कंपनी नोकिया किस देश की है? तो नोकिया फिनलैंड की है। रेड डाटा बुक किसका ऑफिशियल प्रकाशन है? तो
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ रेड डाटा बुक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अति ऑफिशियल प्रकाशन है। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं तो विजय एल केलकर हैं। एग्रीकल्चर कैन नॉट वेट वी होरिजेंटल इन इंडिया एग्रीकल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं तो एम एस स्वामीनाथन हैं। सुपर कंप्यूटर KEA किसने विकसित किया है, सुपर कंप्यूटर KES किसने विकसित किया है तो टाटा संघ के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम है कंप्यूटेशनल रिसर्च लैब CRL। तृतीय IBS शिखर सम्मेलन इसको छोड़ेंगे। अवकाश प्राप्त आर्मी चीफ इसको भी छोड़ेंगे, ये करंट क्वेश्चन है। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं तो सेनोलॉजी, चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेनोलॉजी कहते हैं। ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण हैं तो ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण है, दो ब्राह्मण है। किस भूगोल वेता ने सर्वप्रथम विश्व ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के बीच खींची है बोला था, प्लूटो, इसका नाम है पोटोलेमी ने किस भूगोल वेता ने सर्वप्रथम विश्व ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींची है तो पोटोलेमी। जाम्बिया और जिम्बाब्वे किस प्राचीन देश का नाम है तो रोडेशिया का नाम है। कौन सा रेलवे जोन सबसे छोटा है तो उत्तर पूर्व सीमांत जोन है। गांधी सागर शरणस्थली जिसमें लिप्योड सांभर चीतल नीलगिरी हिरन आदि को संरक्षण प्राप्त होता है कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले के लिए आई हेल्प इमरजेंसी सेवा किस कंपनी ने शुरू की, टाटा टेलीकॉम सर्विस ने शुरू की है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस देश में बनाया जा रहा है तो भारत में बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर कश्मीर में बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो हैंड इन हैंड 2017 के भारत चीन संयुक्त सैनिक अभ्यास थे। आदित्य क्या है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट है। द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड के लेखक हैं जे रोलिंग है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया ई पेपर क्या है तो बिलियन बिट्स है। अमेरिकन क्रांति की एक क्रांतिकारी पुस्तक कॉमन गेम्स का लेखक कौन था, थॉमस पेने था। फ्रांसीसी क्रांति के संकेत शब्द स्वाधीनता समानता और बंधुता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वप्रथम किसने जनस्वरूप प्रदान किया था तो महात्मा गांधी ने। उमा शर्मा किस नृत्य में परंपरागत नृत्यंगना थे तो कथक, उमा शर्मा कथक से संबंध है। उसके बाद दूसरा हम सार संग्रह देखेंगे, भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखें। महात्मा बुद्ध ने माध्यम का मार्ग उपदेश क्यों न दिया तो ताकि, क्योंकि माध्यम मार्ग अति उपभोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया, पूर्ण अहिंसा का क्योंकि सभी चेतना और अचेतना के अंदर जीव विद्यमान है। नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शी का नाटक किसने लिखा था, हर्ष ने लिखा था। सुल्तान काल में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की तो मोहम्मद तुगलक ने। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर तथा जगन्नाथ का मंदिर क्रमशः किसके शासन में बना तो कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम तथा जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन के शासनकाल में। उड़ीसा का नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में और जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन के शासनकाल में बना। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था तो बाबर था। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता था, रामानुज को माना जाता। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की तो अलीवर्दीन खान ने की थी। मुगल सेना
और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में किस 1739 में युद्ध कहाँ हुआ? तो करनाल में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। आनंद मठ उपन्यास किसके, जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है, की रचना की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? 1900 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा में विरोध किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया? सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया। लॉर्ड कर्जन का वह मूर्खतापूर्वक कार्य किया था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना की प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? 1909 अधिनियम के द्वारा। कांग्रेस और लिंग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा? तो लॉर्ड रिपन को कहा। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप में। सरकार से घृणा और उसकी अवमानना के कारण राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 1897 में मुकदमा चलाया गया। भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे बी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 के बीच भारत का राजनीतिक दर्जा क्या है? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य है। उसके गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचार को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में स्थान दिया। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य किस संविधान के बाद और संविधान के किस भाग में अंतः स्थापित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत होता है? तो संसद होता है। भारत में विश्व का भूगोल देखें। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम कहाँ स्थित है? तो मानसिनराम मेघालय में स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? बांध गुजरात में स्थित है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियाँ कौन है? नर्मदा और सोन नदी है। न्यू मोरद्वीप जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ओमान और ईरान को अलग करती है। कौन सा नगर जापान का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो ओसाका कहलाता है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाले विश्व की प्रसिद्ध हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है? डेट्रॉइट में स्थित है। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो त्रिनांद और टोबेगा की राजधानी है। भारतीय इकोनॉमिक्स से देखेंगे क्वेश्चन। कपाट का अर्थ होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कपाट का अर्थ होता है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एंड एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या था? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 7 से 12 थे। भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों में सर्वाधिक फसल रही है? तो गेहूं और चावल में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा रही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था निर्धनता तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक
नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो छठी पंचवर्षीय नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। भारत के किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में आप कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता खोल सकता है। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो RBI में नहीं खोल सकता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो Washington DC में है। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो SEBI के माध्यम से किया जा सकता है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 किस का मिश्रण होता है? तो सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 में होता है एक्वा रेजिया, जिसमें सोना घुलाया जाता है। 1:3 में सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद EEG किस अंग की गतिविधियाँ प्रदर्शित करती है? तो हृदय ECG हृदय की गतिविधियाँ प्रदर्शित करती है। इसके एसिपिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिलिन सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिलिन सैलिसिलिक एसिड। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो मिश्रण होता है। एक रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो एलिटैपिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती बनाने के लिए मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण होता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स है। आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग। आपेक्षिक सिद्धांत के लिए प्रकाश का वेग एक समान रहता है। किसी उपग्रह के अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करती है? किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। वर्णांध व्यक्ति कुछ रोगों के बीच भेद नहीं कर सकता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? तो ट्रांबे मुंबई में स्थित है। प्याज पीले रंग की उपस्थिति किस कारण से देखी जाती है? तो प्याज के पीले रंग की उपस्थिति क्वेरसिटिन के तत्व की कमी के कारण देखी जाती है। आलू के कंदों में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है? यदि वे खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी में निकल आए तो उसको सोलेलिन के तत्व के कारण आलू में हरा रंग सोलेलिन के तत्व के कारण होते हैं। प्याज का पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है। चने की हरी पत्तियाँ में खटास का कारण होता है टैनिन मोलिन या ऑक्जेलिक एसिड। चने की पत्ती में खटास टैनिन मोलिन तथा ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। तिलहन जैसे तेल में पीला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? केरोटिनाइड यानी एलाइल आइसोथायोसाइनेट तत्व के कारण। तेल का रंग पीला होता है तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो कुरकुमिन तत्व बन जाता है। हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो कुरकुमिन तत्व बन जाता है। आंवले के फलों में कैसे लापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता था? टैनिन के कारण होता है। जो चने की पत्ती में टैनिन और मौलिक के कारण होता है तो आंवले के फलों में कैसे लापन का स्वाद आता है? तो उसे टैनिन इम्पोजिक तथा मौलिक पॉलीफिनोल के कारण होता है। पपीते के फलों में पीले रंग का क्या कारण होता है? कैरिकाजेनिथ पिगमेंट की उपस्थिति होती है। इसके बाद बेल के फलों में कड़वाहट का कारण होता है तो
मामोत्सिंग तत्व की उपस्थिति, बेल के फलों में कड़वाहट के कारण मामोत्सिंग तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद देखिए, करेला के फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? मिरमोडी कोसाइट के कारण होता है। करेला के फलों में कड़वाहट के कारण मिरमोडी कोसाइट के कारण होता है। टेट्रासाइक्लिन के कारण मिमोडी कोसाइट तथा टेट्रासाइक्लिन के कारण होता है। फर्क करेला में कड़वाहट। टमाटर के फलों में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। उसके बाद खेल कूद से गीत सेटी का संबंध किस खेल से? तो बिलियर्ड से है। किस खेलकूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जानते हैं। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को कर्नल नाम से दिलीप इसको छोड़ेंगे। सीजर्स कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। लॉन टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी एना इवानोकी इसको भी छोड़ेंगे। डबल फॉल्ट किस सबसे संबंधित है? टेनिस से है। सौरस किस खेल का दूसरा नाम है? तो फुटबॉल का है। दिलीप तिर्की किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। विविध क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई? 1952 में की गई थी। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी? जयप्रकाश नारायण ने दी थी। लोकसभा के पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो 1977 में मध्यावधि चुनाव हुए थे। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई गई है? तो यूके में। हॉलीवुड के प्रसिद्ध द घोस्ट एंड डॉकर्स डार्कनेस हॉलीवुड के प्रस्तुत द घोस्ट एंड डार्कनेस के प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता कौन था? तो ओम पुरी थे। PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारी के रूप में अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को आया था। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे। साधन ही साध्य का निर्माण करते हैं। साधन और साध्य गांधी जी निर्माण के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे साधन ही साध्य का निर्माण करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के मत का क्या कहते हैं? तो निर्णायक मत होता है। अध्यक्ष के मत का निर्णायक मत होता है। किस यूनानी क्लासिक का अनुवाद गांधी जी ने गुजराती में किया था? तो प्लेटो रिपब्लिक का गांधी जी ने गुजराती में किया था। महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में था? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संबंध में था। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद बजाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान इसको छोड़ेंगे। DNA की प्रशिक्षण विधि किसने विकसित की? तो डॉक्टर एलेक जॉफ्रिस ने की थी। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर है झुनिया लाहिड़ी। उसका आईफेल टावर कहाँ है? तो पेरिस में है। घोड़ों का समूह कहलाता है स्ट्रिंग कहलाता है। ऊंचाइयों से भीति दर्शाने वाला शब्द है तो एक्रोफोबिया। तिब्बत की गवर्नमेंट्स इन एक्सल कहाँ है? तो धर्मशाला में स्थित है। भारत में मेट्रोपोलिस कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसका स्थान लिया गया? तो वासुदेव जी। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद वासुदेव जी आए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देविका रानी थी। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है? तो केरल का। डेविस कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
डी सुब्रमण्यम ने किस संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी? इंजीनियरिंग से, डी सुब्रमण्यम इंजीनियरिंग से। किस संस्था की रिपोर्ट से विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का निरूपण किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से। विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। भारतीय बिहार एवं संस्कृति से देखेंगे क्वेश्चन। अगला सार संग्रह, कांची का कैलाश मंदिर किसके द्वारा स्थापित की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, जिसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजा जयसिंह द्वारा, प्रारंभ पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण किया गया। पल्लव राजा जयसिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, महेंद्र द्वारा उसे पूर्ण किया गया। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव जयसिंह के द्वारा शुरू किया गया, उनके पुत्र महेंद्र द्वारा पूरा करवाया गया। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजभाषा में थे? कनिष्क के राजभाषा में थे। फारस से आने वाला अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश का था? थे तो तुलु राजवंश के थे। किस संस्था के शासन ने अफजल खां के साथ 1669 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना की थी? तो बीजापुर के शासक ने। हड़प्पाकालीन स्थल सुटगोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अलबेरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत किताबुल हिंद में मिलता है। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो लाहौर में स्थानांतरित की। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा? गुरु तेग बहादुर को। मुगलों ने कौन से सिख गुरु की यातनाएं? गुरु तेग बहादुर को। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो 1939 में किया था। नमक सत्याग्रह एंड डांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस का प्रतिबंध लगाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका नरम दल और गर्म दल में विभाजन हो गया? तो सूरत अधिवेशन में। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिफिक रजिस्टेंस नामक पुस्तक श्रृंखला से संबंधित है? स्वदेशी और विदेश और बहिष्कार आंदोलन से। डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिफिक रजिस्टेंस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संबंधित था। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो लाला लाजपत राय हुए। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवाने बेलू धम्पी को, दिवाले बेनू धम्पी को। उसके बाद देखें 1905 में बंगाल प्रांत के दो भागों में किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की अन्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार था। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1932 में। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल प्रस्तुत किया। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किस में है? तो संसद को है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का प्रतियुक्त प्रतिबंधों के आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है तो 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो जाए उस समय तक धारण करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 है। लोकसभा के सदस्यों से 552 निर्धारित की गई है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। संविधान सभा के संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो अस्पृश्यता का उपबंध किया गया। प्राकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो केवल लोकसभा में। प्राकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। अरावली एवं विनय श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को होकर नेपाल भूटान चीन से मिलती है? तो सिक्किम की। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? तो हिंद महासागर का द्वीप है। लोकटक झील की जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। किसी राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? तो सिक्किम की सीमा पर स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे उसके अर्थतंत्र में ज्ञान तकनीकी की कुशलता शिक्षा आदि को क्या क्या माना जाता है? तो मानव पूंजी माना जाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो बजटीय घाटा बोलते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उद्यम तो भारतीय रेलवे है। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो राजस्व बजट तथा वित्तीय बजट में। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया? 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। मुद्रा व्यापार यानी फ्री ट्रेड जोन घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो सांता क्रूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1949 में हुआ था। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है। भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है तो ब्याज का भुगतान करना। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लेगा? तो आधे कप को भरने में 59 मिनट लेगा। 59 मिनट का समय लेगा। थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है, यानी समताप मंडल में स्थित है। उसके बाद टैमेरिड जिसको इमली बोलते हैं, इमली का वैज्ञानिक नाम है। टैमेरिड में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। टैमेरिड में टार्टरिक अम्ल होता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायक करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन ई है, संक्रमण को रोकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 2H2O। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल है। विटामिन बी का पीलिया किस रंग से संबंधित बीमारी है? तो पीलिया लीवर से संबंधित बीमारी है। विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो एनीमिया रक्तकल्पता की रोग होती है। वर्णांध व्यक्ति यानी रोगी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो वर्णांध व्यक्ति रोगी लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग में अंतर कर ही नहीं पाता है। वर्णन व्यक्ति लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। उसके बाद CAIH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरिड हॉरिजॉन्टल यानी ICRA के अंतर्गत केंद्र स्थित है, बीकानेर राजस्थान में है। खेलकूद से देखेंगे। सनफिस्ट ओपन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से? लॉन टेनिस से संबंधित है। चीन में बीजिंग ओलंपिक खेल
इसको छोड़ेंगे। विविध क्वेश्चन आएंगे। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ? 1998 से ईवीएम का प्रयोग 98 से शुरू हुआ। अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो जापान है। जापान है, अमेरिका के बाद जापान। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। बुद्ध के उपदेश का संग्रह है? तो सूतपेटक में है। भारत सरकार के कन्या बालिकाओं के लिए एक नवीन योजना किस नाम से चालू की गई है? तो धनलक्ष्मी योजना के नाम से। इसका नैनो कॉलेज सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो चंडीगढ़ में है। रेलवे लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है? तो कालका शिमला रेल लाइन को बनाया गया है। भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कृत उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू की उस पारदर्शिता के अनुरूप की स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की स्थापना सबसे पहले की गई? तो IIT खड़गपुर की स्थापना सबसे पहले की गई, खड़गपुर। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ तय की गई? तो बेलग्रेड में 1961 में। बाल विकास सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? तो नफीजा अली हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय थे? तो पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। इसके बाद अगला सार संग्रह देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से। अमृतसर किस संधि महाराज रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? अमृतसर की संधि महाराज रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के शासन के समय हुई थी के साथ हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया? तो मीर कासिम शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय तीनों ने मिलकर बक्सर के युद्ध में भाग लिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था गवर्नर जनरल। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को भारत से निकाल दिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? तो बक्सर के युद्ध में मिली। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासन को कुशासन का आरोप लगाकर सत्तायुत कर दिया था? तो अवध के शासक को। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया? तो चंदावर के युद्ध 1994 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य के नाम से जाना जाता था? तो गाय को जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन था। इसके बाद भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रारंभ किए गए? अधिनियम 1909। 1857 के गद्दर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट से अधिगृहित कर ली है? तो लॉर्ड कैनिंग। डांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या की गई? आयोजित की गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठी चार्ज में कौन सा गंभीर रूप से घायल हुए? तो लाला लाजपत राय घायल हुए। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? निरस्त किया था। आधुनिक इतिहासकारों में किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र भारत का प्रथम युद्ध कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था।
स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने लिखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था, कामरेड समाचार पत्र मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मान्यता का समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 देता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका दर्ज है? 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में, दोस्तों में प्रिंट है पढ़ा नहीं रहा, संविधान के 44वें संविधान में 44वें संविधान संशोधन में अधिकार को वापस ले लिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को वापस ले लिया। यदि किसी राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद के द्वारा की जाती है। राजभाषा विभाग डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के शुद्धिकरण से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज के शुद्धिकरण से संबंधित है। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? तो सात हैं। वर्तमान में 7 वो राजनीतिक दल हैं जिनका मान्यता प्राप्त है। बहुजन समाजवाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल है। ये राजनीतिक दल हैं। कितने राष्ट्रीय दल निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सर्वाधिक संख्या की सीटें होती है? तो 552 होती है। भारत में विश्व का भूगोल है, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में है? तो दक्षिण अंडमान में है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बनारसी से कन्याकुमारी तक है। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। एल नीनो धारा किस देश के समुद्र तट के सहारे प्रभावित होती है? तो पेरू के समुद्र तट के सहारे। उसके बाद भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28 से 38 नॉर्थ अक्षांश पर तथा 77 से 12 ईस्ट देशांतर पर है? तो दिल्ली की है। नासिक किस नदी के तट पर? बता, गोदावरी नदी के तट पर है नासिक। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा किस अक्षांश रेखा को संबोधित करती है? 38वीं लाइन को संबोधित करती है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? तो 21 मार्च को पड़ता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 तारीख को पड़ता है। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो मछली पकड़ना तथा शिकार करना। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में रखे जाते हैं। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो यूरो है। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद IPO का क्या अर्थ होता है? तो इनिशियल पब्लिक पावर IPO का फुल फॉर्म होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया था? राजकृष्णन ने बनाया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य है? तो 9% है। भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है? 54%, इसको छोड़ेंगे। आम आदमी बीमा योजना किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो आम आदमी बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को जीवन बीमा देती है। संग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों के कल्याण के लिए संग्राम योजना आई है। सामान्य विज्ञान देखेंगे, गोलकुंड
गलकन ग्वाइटरी जिसको बोलते हैं रोग से शरीर में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कौन सा कीट कालाजार पैदा करता है, तो सेंट फ्लाई करता है। धातु की एक वर्ग प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है, तो गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ेगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। मोती मुख्तक किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइट्स पैदा की गई है, तो विटामिन ए। उसके बाद पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है, तो एथिलीन की जाती है। किसी पदार्थ को फिलोस्पर्स उल कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को फिलोस्पर्स उल कहते हैं। आरडीएक्स क्या का नाम क्या है, तो साइक्नोनाइट। आरडीएक्स का नाम है साइक्नोनाइट। रासायनिक नाम हाइपो क्या है, तो सोडियम हाइपोसल्फेट Na2SO2O3। रासायनिक नाम हाइपो क्या है, तो सोडियम हाइपोसल्फेट है। एग्रीकल्चर से देखेंगे, भारतीय बीज अधिनियम कब बना, 1966 में बना। गेहूं की प्रजातियां PWD 295 HD 4672 किस स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, तो कठिया। कठिया किस्म के अंतर्गत आते हैं। जौ की किस्में किस किस्म के आती है, तो पाइड्री मेड्यूल के अंतर्गत आती है। नैप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहाँ स्थित है, तो अबू गोड़ी बेंगलोर में स्थित है। खेलकूद से देखेंगे, विविध क्वेश्चन देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज की किस रचना की सिफारिश की है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की, तथा जिला स्तर पर परिषद की है। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स के रूप में हाल ही में किसको विश्व रिकॉर्ड की गिनीज बुक में स्थान मिला है, तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये की गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट योजना लागू की, उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अब्दुल्ला गुल किस देश के, इसको भी छोड़ेंगे। कौन सा देश भारत की रक्षा सेवाओं के लिए किस देश ने विमान वाहक गोरसोक सप्लाई करने का निर्णय लिया, रूस ने किया। कुष्ठ रोगियों के लिए महाराष्ट्र में आनंद वन पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया, बाबा आमटे ने किया। तो दोस्तों यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।